हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। चलिए, मैं अपने काम तो रोज़ ही दिखाती हूँ, आज अपने प्लांट्स की एक झलक मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा पीपल का प्लांट है जो खुद से उगाया था। ये पत्थर चट्टा, ये देखिए, ये आम, ये मेरा कोलियस, इतना ब्यूटीफुल सा। ये देखिए, यहाँ रोज ये देखिए सारे प्लांट्स मेरे बहुत अब अच्छे और भी हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि सबकी रिपोर्टिंग हो गई है। मेरे जितने भी शुभ प्लांट हैं इधर, तुलसी, बेलपत्र, शमी प्लांट और ये बरगद, इसको भी मैंने यहीं लाके कल मैंने रिपोर्टिंग की है इसके। देखिए, ये इसको मैंने परचेस नहीं किया था, ये खुद ब खुद मेरे गार्डन में उगाया था तो मैंने रख लिया। और ये अपराजिता, ये मेरे एक्जोरा, देखिए बर्ड्स बन रहे हैं, सभी में बर्ड्स बन रहे हैं। देखिए बर्ड्स से भरे पड़े हैं। इधर देखिए हाइब्रिड लेंटाना, इधर गॉम्फेना, यहाँ मेरे देसी लेंटाना, इसमें भी बर्ड्स बन रहे हैं बहुत सारे। ये देखिए इधर, ये देखिए एमरस लिली, और ये देखिए मेरी मोगरा भी बहुत सुंदर से खिल रहा है। देखिए ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है अभी इसमें से, शाम के टाइम ज़्यादा आती है। ये देखिए ये चांदनी, और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मेरे डहेलिया जो बल्ब मैंने छोड़ दिए थे, इसमें कितने अच्छे से निकल आए हैं। इनमें से मैं बहुत सारी कटिंग रेडी कर सकती हूँ विंटर में। और ये देखिए मैरीगोल्ड की सीड मैंने डाल दिए थे स्पॉट्स में, कितने सारे प्लांट बन जाएंगे मेरे। ये देखिए, और अभी धूप निकला नहीं है ठीक से, बादल है इसलिए अभी पर्सलेन को चुलाकर ठीक से खिल नहीं पाए हैं। देखिए जेट्रुफा, और इधर दिखा दूं मैं आपको, ये सारे मैंने अपने बेबी सनरोज इन सीढ़ियों पे रख दिया है। इधर धूप अच्छी आती है, आज धूप निकली नहीं है। और इधर ये देखिए मेरे चंपा का प्लांट, और ये देखिए ये पिंक वाले मैक्सिकन पिटूनिया, अभी खिल के धूप आई नहीं है इसलिए फ्लावर भी खिले नहीं हैं ठीक से। तो यही थी आज की मेरे गार्डन की झलक। और हाँ, कल मैंने एक और ये किया, ये जो मैं नर्सरी से लाई थी इसको मैंने इस पे रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि इसके नीचे से बेबी प्लांट निकलते हैं और ये गहरा भी है और सर्कल में भी है, चौड़ाई भी है इसकी अच्छी। तो बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएं, और ध्यान रखें अपना और अपनों का ढेर सारा, और खुश स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने अपने फेवरेट कामों में बिजी रहें। ओके फ्रेंड, बाय।